स्वागत है आपका एलियनेस हेल्थ पर। आज मैं आपको इंटरमिटिंग फास्टिंग से रिलेटेड कुछ जरूरी जानकारी देने जा रही हूँ। आजकल ज्यादातर लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं, चाहते हुए भी खाने में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप इंटरमिटिंग फास्टिंग अपना सकते हैं। अगर बात करें मोटापे की, तो इसका कोई एक कारण नहीं हो सकता। फिजिकल एक्टिविटीज से लेकर माइंडसेट तक इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपको बता दूं कि खान पान हमारे बॉडी की 80% तक इन्फ्लुएंस करता है। इसको ध्यान में रखते हुए कई लोग फिजिकल एक्टिविटीज जैसे योगा एक्सरसाइज भी करते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी होता है। लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ फूड बैलेंस करना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बनाए रखना ही लाइफ को स्मूथ बनाता है। ऐसे में हेल्थ बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ फूड को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए आप इंटरमिटिंग फास्टिंग को अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इंटरमिटिंग फास्टिंग। इंटरमिटिंग फास्टिंग एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें लंबे समय तक आपको भूखा रहना पड़ सकता है और मील स्किप करना पड़ता है। साथ ही किस समय खाना है और किस समय नहीं खाना है, यह सब पहले से ही फिक्स होता है। जैसे कि कुछ लोग 12 घंटे के अंदर अपने मील ले लेते हैं, तो कुछ लोग 14 घंटे के बाद कुछ खाते हैं। ऐसा करने से वेट कम करने में आसानी होती है। अब जानते हैं कि इंटरमिटिंग फास्टिंग कैसे करें। इंटरमिटिंग फास्टिंग को अपनाने के लिए आपको 16 घंटे खाने से परहेज करना होगा। जी हाँ, इसके पहले अगर आप रात को खाना खाए हैं तो अगले दिन 16 घंटे पूरे होने के बाद ही आप अपना लंच करेंगे। आपको ब्रेकफास्ट छोड़ना होगा, इसके साथ ही आपको लंच और डिनर के बीच का समय भी फिक्स करना होगा। इंटरमिटिंग फास्टिंग आपके खान पान को बैलेंस तो करता है, आपके बॉडी में किसी भी चीज की मात्रा को ज्यादा नहीं होने देता, आपके माइंड को लाइट रखता है और लेजीनेस फ्री रखता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इंटरमिटिंग फास्टिंग के बारे में बताया। कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर रहूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।